एक था मोहन। चैप्टर 20, मुश्किलों को आसान बनाने वाली मेहनत। अब मोहनदास के साथ बहुत से लोग आ गए थे। जो भी सामान और साधन उनके अपने थे वो अब उनके सहयोगियों के भी हो गए थे। अपने पराये का अंतर चला गया था। जैसे जैसे वे अपना माल, असबाब, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता सभी कुछ अपने दोस्तों के साथ बांटने लगे, वैसे वैसे उनके सहयोगी तेजी से बढ़ने लगे। एक वकील के रूप में जब शुरू में मोहनदास दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, तब उनका मिलना जुलना केवल गुजरात से गए धनवान व्यापारियों से ही होता था। जैसे जैसे वे अंग्रेज सरकार के जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाते गए, भारत से आए तरह तरह के लोगों ने उन्हें अपना नेता मान लिया था। इनमें तमिलनाडु और बिहार से आए मजदूर भी थे। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था और उनका जीवन गुलामी में बंधा था। मोहनदास ने अपना रहन सहन इतना सादा बना लिया था कि कोई भी उनसे आकर मिल सकता था, उनसे मदद मांग सकता था, उनकी मदद भी कर सकता था। मिल बांट कर काम करने से मेहनत का बोझ कम हो जाता है। साथ काम करने वालों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। उनकी बस्ती में ऐसा नहीं होता था कि कोई तो बिल्कुल ही काम नहीं करे और कोई जबरदस्ती दूसरों के हिस्से का काम भी करे। कई तरह के लोग साथ में रहते थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा के। उनके यहाँ गुजराती बनिए और तमिल मजदूर, गोरे लोग और काले लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपने घर को ही आश्रम में बदल दिया था। एक के बाद एक गांधी जी ने 3 आश्रम बनाए। इन आश्रमों में रहने वाले सभी लोग कुछ कड़े नियमों का पालन करते थे। इनमें से एक था शारीरिक श्रम करना। सभी काम मिलजुल कर होते थे, चाहे घर बनाना हो, सफाई करना, भोजन पकाना या बर्तन साफ करना। जो काम किसी एक से नहीं होता था वो कोई और कर लेता था। हर एक व्यक्ति दिन में कम से कम आधा घंटा चरखा चलाकर सूत काटता था। चूंकि मिट्टी के बर्तन भांडे सस्ते पड़ते थे, इसीलिए आश्रम में खाना उन्हीं में बनता था। मिट्टी के पात्रों में धीरे धीरे पका भोजन स्वादिष्ट भी होता था और पौष्टिक भी। फिर गांधी जी ये भी चाहते थे कि अपने गांव के आसपास रहने वाले कुम्हारों को रोजगार मिले, उनके काम की पूछ हो, उनकी बनाई चीजों में लोगों को उपयोगिता दिखे। आश्रम का जीवन ऐसा था कि उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी रह सकता था। वहां हर व्यक्ति बराबर था। हर जाति के लोग, हर देश के लोग, आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे बच्चे, गरीब या अमीर, सभी लोगों के लिए यहां जगह थी। गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश भी ऐसा ही बने, जिसमें लोग आपसी अंतर को लेकर झगड़ने की बजाय प्यार और सम्मान से एक साथ रह सके। इसी को वे अनेकता में एकता मानते थे।